वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक नई उम्मीद के साथ आपकी एक नई क्लास। जी हाँ, आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। जैसे आपने सुना होगा गगर में सागर, जी जैसे बिल्कुल सेम टू सेम। आपने देखा होगा एक ऑनियन या एक नारियल, उसमें परत के बीच परत होती है। जैसे आपने नारियल देखा होगा ऊपर एक पौड़ी परत होती है, उसके अंदर एक परत होती है, उसके अंदर नारियल में तो दो ही परत होती है फिलहाल, है ना। लेकिन प्याज आपने देखा होगा उसमें कई परतें होती हैं। उसी तरह से आपकी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए यहां पर पहले, फिर ये सवाल हम देखेंगे। क्वेश्चन है 1/2 / 1/3 के बीच पांच परिमेय संख्या निकालना। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे आपको। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे विशेष रिक्वेस्ट होगी, अगर पूरा देखेंगे तो पक्का समझ में आएगा। कम से कम 5 मिनट देखिएगा, जरूर समझ जाएंगे, ठीक है। एक आसान तरीका देखिए, फर्स्ट मेथड। हम आपको दो मेथड बताएंगे। ये फर्स्ट मेथड उन लोगों के लिए आसान है जिनको दो संख्याओं के बीच कोई एक संख्या निकालना हो, उनके लिए आसान है। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं यहां पे दूं, दूसरा क्वेश्चन इसको बाद में देखेंगे, मैं बोलूं कि 2 और 3, 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या निकालिए। तो 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या के लिए आप ये पहला मेथड यूज कर सकते हैं। उस मेथड में आप ये फार्मूला लगाएंगे, 1/2 a + b, बस आपका उत्तर आ गया। ए की जगह पर पहली संख्या रख दीजिए, बी की जगह पर दूसरी संख्या, तो ये हो जाएगा बराबर 1/2, ए की जगह पर 2 मतलब ये, और बी की जगह पर 3। यहां आप पाएंगे कि 1/2 × ये हो गया 5 बराबर, इसे आप लिख सकते हैं 5/2, मतलब 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या क्या होगी, 5/2। ये आ गया उत्तर। लेकिन ये तो छोटा सा सवाल था। अब उन लोगों के लिए संकट होगा जिन लोगों को किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कई परिमेय संख्याएं निकालनी हो, वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, जो इसको देखिए, अगर इसे आपने नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं है, वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा और तुरंत लाइक कर दीजिए, फिर आगे देखते रहिए। जब भिन्न में दिए हो तो कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। पहले तो आपको यह देखना है कि दी गई भिन्न के जो हर हैं वो बराबर हैं कि नहीं। हर और अंश के बारे में बताते हैं। जैसे 4/7 लिखा है तो इसे अंश बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं, इंग्लिश में डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये डेनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए दोनों फ्रैक्शन में, तब हम निकालेंगे परिमेय संख्या। इसमें देखिए 2 है, इसमें 3 है, दोनों बराबर नहीं है। तो पहले हम हरों को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे वो सब आपके सामने होगा, ध्यान दीजिए। यहां पे लिखिए, हरों को बराबर करने पर, तो पहली भिन्न लिख लीजिए 1/2, इसमें ऐसा कुछ करिए, और ये है 1/3, दोनों में ऐसा कुछ करिए कि दोनों का हर जो है बराबर आ जाए, और वो आइडिया हमारे पास है। पहली भिन्न के हर से दूसरी भिन्न में गुणा कर दीजिए, मतलब अकेले तो आप भिन्न में गुणा कर नहीं सकते हैं, मतलब गुणा और भाग दोनों कर दीजिए। ये देखिए हो गया, और इसके हर से मतलब 3 से इसमें गुणा कर दीजिए दोनों में ऊपर नीचे, बस देखिए दोनों का हर बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा। अब ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा 2/6। अब देखिए दोनों में 6 6 हो गया ना, हो गया, बस हो गया, तो आपका उत्तर आ गया जी। कैसे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बचा है। अब आपको यह देखना है कि कितनी परिमेय संख्या आपको निकालना था। 5 निकालना था ना, 5 जितने निकालना था उससे एक अधिक कर लीजिए। तो 5 निकालना था, 5 से एक अधिक मतलब 6 से इन दोनों भिन्नों में आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बस आप उत्तर पा जाएंगे। लेकिन पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, देखते रहिएगा, भागिएगा मत। अब चलिए 6 से इसमें गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो हमें क्या मिलेगा और आपको क्या मिलेगा सब सामने आएगा। ये हो जाएगा 18 और ये 36 और ये 12/36। कितनी परिमेय संख्या निकालना था, 5, हो गया 5ों परिमेय संख्या। अब आप लोग कहेंगे कहां हो गया, तो मैं उसको यहां पे दिखा देता हूं। देखिए ये 12/36 आया ना, ये 18/36 आया, चलिए यहां पर लिखिए 12/36,
और पांच जगह छोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 18/36। देखिए पांच परिमेय संख्या हो गई, कैसे 12 के बाद 13 आता है ना, आता है ना जी, तो ये हो जाएगा 13/36, ये हो गया 14/36, ये 15/36, 16/36 और ये 17/36। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये आपकी परिमेय संख्याएं हो गई, पांच परिमेय संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5। दो परिमेय संख्या के बीच आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। हम आपके सामने से हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके बड़े ही प्यार से लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग जल्दी से अगर क्लास को लाइक नहीं किए तो तुरंत कर दें, हो गया ना, सभी को समझ में आ जाना चाहिए, तरीका समझ लिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई भिन्नों को देखेंगे, बड़े प्यार से देखेंगे, 1/2 है, 1/3 है, इनके हर बराबर नहीं है तो पहले हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने का एक आसान तरीका यह है कि पहली भिन्न के हर से दूसरी भिन्न के अंश और हर में गुणा कर दीजिए, जो कि मैंने यहां पे कर दिया था। और दूसरी भिन्न में क्या करेंगे, ये तो हो गया दूसरी में, अब पहली भिन्न में दूसरी भिन्न के हर से गुणा कर दीजिए अंश और हर में। तो हमारे पास जो भिन्न आई थी ना, वो क्या आई थी, ये 3/6 आई थी और ये 2/6 आई थी, मतलब दोनों का हर बराबर हो गया था। जब हर बराबर हो जाए तो जितनी परिमेय संख्या निकालना है उससे एक बढ़ा करके दोनों भिन्नों में अंश और हर में गुणा कर दीजिए। फिर जो एरिया बनेगा एक एवरेज, जैसे 12 से लेकर 18 तक बन रहा है ना, उनके बीच जो परिमेय संख्याएं वो फटाफट आ जाएंगी अपने आप। ये दूसरा तरीका बहुत ज्यादा बेटर है अगर कई संख्याएं निकालना है उसके लिए, नोट कर लिए ना। तो इस तरह से आपने देख लिया, मात्र 3 या 4 मिनट में दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। अक्सर एक सवाल जो आपके मित्रगण हमसे पूछते हैं, और वो क्या पूछते हैं जानते हैं, वो इसी सवाल में ही पूछते हैं, बट वो माइनस में पूछते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है। अक्सर आप लोगों के सवाल आते हैं, बार बार व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आते हैं कि सर इसको जरूर बताइए, 3/2 - 3/2 हुआ +3/2 के बीच परिमेय संख्या, अब बताइए इसके बीच कैसे करेंगे। पांच परिमेय संख्या अगर बोल दें तो पांच परिमेय संख्या कैसे करेंगे, देखिए इसका हर हर बराबर है, इसमें हमें अब हर नहीं बराबर करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 5 निकालना था, 6 से गुणा करिए, -3/2 में 6 से गुणा करिए, और ये 3/2 में इसमें भी 6 से गुणा करिए, किससे, 6 से, ये बना -18/12 और ये बना 18/12, समझ गए ना। अब इनको आप लिखिए अगर एक बीच में तो समझ में आएगा, इसमें आपको बहुत कुछ लिखिए, आपको सिर्फ 5 निकालना है ना। देखिए माइनस और प्लस के बीच में कितना बड़ा अंतर होता है, इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, संख्या रेखा आपने देखा होगा, मैं उसको दिखाऊंगा बाद में, पहले इसको देखिए, जो माइनस आया है 18/12 उसको पहले लिख लेते हैं, हमें पांच परिमेय संख्या निकालना था, 5 प्लस छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये +18/12, क्लियर, 5 लिखना है ना। अच्छा ये बताइए 18 के पहले क्या होगा, क्या होगा, -17 होगा ना, हाँ जी -17 होगा ना, दाएं साइड जाएंगे तो ये -17/12, -16/12, -15/12, -14/12, -13/12, ये देखिए पांच परिमेय संख्या आ गई। अभी आप और पीछे जाएं तो और कम होती जाएगी और आती चली जाएंगी, कैसे, इसको कॉन्सेप्ट नहीं समझे होंगे आप, इसको यहां से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे ये संख्या रेखा होती है ना आपकी, संख्या रेखा नंबर लाइन, इसमें बीच में सेंटर होता है, यहाँ पे 0 होता है, इसके राइट साइड यानी कि दाहिने साइड सभी डिजिट जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, प्लस होते हैं, तो इधर 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, इधर साइड -1, -2, -3, -4, ये होता है ना। जैसे जैसे इस मध्य बिंदु से हम दूर बढ़ते जाते हैं बाई तरफ, वैसे वैसे संख्या छोटी होती जाती है, और जब दाहिनी तरफ जाते हैं तो बड़ी होती जाती है। तो यही कहीं -1, -2, -3, -4 आया, -5, -6 ऐसे जाएंगे तो -18 भी आएगा, आएगा ना, लेकिन अगर पीछे लौटेंगे तो -17, -16, -15, -14, समझ गए,
जब जीरो पे आ जाएंगे तो कोई माइनस नहीं होगा, फिर जीरो के दूसरे साइड क्रॉस करेंगे तो प्लस शुरू हो जाएगा, समझ गए। तो ये था परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना। कैसी लगी आपको ये क्लास, अपने विचारों को अवश्य लिखिएगा, और अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, उनकी बड़ी प्रॉब्लम है ये। लगभग 80,000 स्टूडेंट मई 2019 में है पीवीआर स्टडी में, और इन सबकी प्रॉब्लम यही है कि भाई परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, इनकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आप सभी के क्वेश्चन का जवाब इस सवाल इसमें हो चुका होगा उम्मीद करते हैं। अगर आप इस तरह की और भी क्लास चाहते हैं तो कृपया इस क्लास को लाइक करके मित्रों में शेयर करें, और इतना ही नहीं क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और क्लास ज्वाइन करें। कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं ऑल वन डे एग्जाम का, एकेडमिक एग्जाम का, या फिर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। स्पेशली मैथ के लिए मैं बोलता हूँ आप सभी को, आपके प्यार और विश्वास के साथ 100% गारंटी की आप मैथ सीख सकते हैं। जी हाँ, मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता है, बहुत वीक है आप, एकदम कमजोर हैं, आप सीख सकते हैं। दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, क्लास ज्वाइन करें। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर आप समझ चुके हैं, तो चलते हैं हम आगे। अब आप लोग ये सब समझ गए होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए और स्टडी से संबंधित मटेरियल पाने के लिए विजिट करें pvrstudy.com, और अगर कोई इंक्वायरी है तो आप इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। हम आपको वो फैकल्टी देते हैं जो यूट्यूब पर लगभग बहुत कम लोग देते हैं। फोन कॉल करने का नंबर, व्हाट्सएप नंबर अक्सर आप देखते होंगे चैनल पे कोई नहीं बताता है, अगर कोई बताता भी है तो उसका ना फोन उठता है ना फोन लगता है, लेकिन पीवीआर स्टडी में ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल पारदर्शिता है। आप फोन करेंगे आपका फोन उठेगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई मिलेगा। टाइम भले लग जाए 2-4 दिन, बहुत ज्यादा लगेगा तो 5 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन 5 दिन कभी होता नहीं, अक्सर आपको एक दिन में टाइम में रिप्लाई मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट कॉल करें, कॉल आपकी अवश्य रिसीव होगी, ठीक है ना। तो आप सभी को कोटि-कोटि शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना महत्वपूर्ण टाइम दिया। तो चलते हैं अगली क्लास के लिए, इंतजार करिएगा, आपकी विशेष क्लास होगी अगली क्लास में, उसे अवश्य देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। फिर क्या करेंगे आप लोग, इसको शेयर करके जाइएगा बाबू अपने मित्रों में, करेंगे ना।